हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार्स स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस को आसान भाषा में, ठीक है, छोटे ड्यूरेशन के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। समरी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस वर्क करने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स यार जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रोसेस ही नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। कंफ्यूजन रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि भाई आगे क्या स्टेप्स होंगे, क्या होंगे, बच्चों को एक डर सा रहता है। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, उसको आप थोड़ा सा समझ लो ताकि काउंसलिंग प्रोसेस आपकी जो है थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर लो, रजिस्टर कर लो आप जोसा में जा करके। अगर आपकी रैंक यू नो जनरल कैटेगरी में अगर आप हो, अगर आपकी रैंक 1,30,000 के अंदर है, एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप हो 2.5 लाख 3 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक है, एसटी में अगर आप हो तो आपका रैंक अगर 3, 3.5, 4 लाख के अंदर है, तो आप जोसा और फिर सीसैप दोनों में पार्टिसिपेट ले सकते हो। तो पहले अभी जोसा चल रहा है तो आप जोसा के अंदर में जाकर के रजिस्टर कर लो, ठीक है, अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो। उसके बाद में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। सेकेंड स्टेप आपका होता है चॉइस फिलिंग का। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसी से आपका सारा चीज जो है वो मैटर करता है, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग आपको कई जगह पीडीएफ वगैरह ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन उसको आपको पर्सनलाइज करना है, कस्टमाइज करके अपने हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपने रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप चॉइसेस तो 800 से ऊपर होते हैं, लेकिन आपको अपने रैंक के हिसाब से जो है चॉइस फिलिंग करनी है। यहां पर अगर आप गलती करोगे तो आपको जो प्रेफरेंस में आप ऊपर, अगर आपने खराब कॉलेज को ऊपर डाल दिया तो वो आपको पहले मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस ऑर्डर आपका इस तरह से होना चाहिए कि जो चीज मिलने के चांसेस आपको कम है वो ऊपर हो, और जो मिलने के चांसेस है वो बीच में हो, और जो बहुत आसानी से मिल जाएगा वो नीचे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो राउंड वन में अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो राउंड टू में मिलेगा, थ्री में मिलेगा। ठीक है, बट अगर आपने जो चीज बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, गारंटीड आपको मिल जाएगा, वो आपने ऊपर रख दिया तो राउंड वन में ही आपको मिल जाएगा, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चॉइस फिलिंग के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हो, कोर्स कह रहा हूं, इस आयुषबिया काउंसलिंग में आप एनरोल कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग है। अगर आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट मैं बना करके दूंगा इसके अंदर में, अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के दूं आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर रहे हैं, मेरे से अपना अपना चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के ले रहे हैं। तो इसमें आप एनरोल करोगे तो आपको क्या होगा, व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करूंगा, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस, और आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट भी मैं बना के दूंगा आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से जो बेस्ट लिस्ट होगा वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, एनरोल करने का प्रोसेस क्या, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एनरोल कर सकते हो, और उसके बाद में कुछ ही घंटों के अंदर में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर दिया जाएगा, और मैं भी आपको मैसेज कर लूंगा, आपसे डिटेल्स कलेक्ट करके आपको 1 से 2 दिन के अंदर में जो आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड करके मिल जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, आप जल्दी आओगे तो जल्दी आपको आपका लिस्ट प्रोवाइड करके मिलेगा। ठीक है, सो चॉइस फिलिंग लिस्ट में क्या होता है, आपने चॉइसेस भरे, आपने बहुत सारे चॉइसेस भरे, तो ये ध्यान रखना कि काउंसलिंग जो है, अगर आपको मान लो राउंड वन में ये सीट मिल गई तो अब इसके नीचे के सारे इनवैलिड हो जाते हैं, इसके और इसके ऊपर के कंसिडर किए जाते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कभी भी कोई खराब चीज को ऊपर में मत डालना चॉइस फिलिंग में। इसके बाद में क्या होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। मॉक सीट अलॉटमेंट के आपके 2 राउंड होंगे। मॉक सीट अलॉटमेंट में क्या होता है ना, आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या मिल सकता है। मॉक सीट अलॉटमेंट एकदम एक्यूरेट नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट डे में जो है चॉइस फिलिंग करते हैं। तो मॉक सीट अलॉटमेंट में जितने स्टूडेंट्स ने तब तक भरा होगा, चॉइस फिलिंग लिस्ट करी होगी, उसके हिसाब से आपको क्या मिल सकता है वो आपका मॉक सीट अलॉटमेंट में आएगा। जनरली देखा जाता है कि मॉक सीट अलॉटमेंट में अगर आपको ये मिल रहा है तो एक्चुअल राउंड वन में आपको थोड़ा नीचे का चीज ही मिलता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चे जो है अपना चॉइसेस को फिल करते हैं। ठीक है, बट उससे घबराने की कोई बात नहीं, आपका राउंड वन में नहीं मिलेगा तो राउंड टू में मिलेगा, इस तरीके से चलता जाएगा। मान लो राउंड वन में आपको कोई सीट नहीं मिली तो आप राउंड टू का वेट करोगे, और राउंड वन में आपको सीट मिल जाती है तो फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मॉक सीट अलॉटमेंट जब हो जाएगा, आपको चॉइसेस वगैरह को लॉक कर देना है, या फिर ऑटो लॉक हो जाएगा, लॉक कर दो या फिर ऑटो लॉक आपका हो जाता है लास्ट डे में। इसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा राउंड वन का। जैसे राउंड वन का आपका रिजल्ट आया, ठीक है, राउंड वन में आपको कोई कॉलेज मिला, अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक तो आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना, और आपको फ्रीज फ्लोट या स्लाइड, क्योंकि आगे के राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है वो समझ लो। यहां पे आपको चॉइस मिलता है कि भाई आप फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे या फिर स्लाइड करोगे। यहां पे भी बच्चों को दिक्कत आती है फ्रीज फ्लोट और स्लाइड में, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लो आपने यहां पे भरा एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस, ठीक है, फिर आपने मान लो यहां पे भरा एनआईटी वारंगल कंप्यूटर साइंस, लेट से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने यहां पर भरा एनआईटी दुर्गापुर, ठीक है, आपने भरा लेट से सिविल, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं।
जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने मान लो यहां पर भरा एनआईटी कुरुक्षेत्र, इसका कोई ब्रांच आपने भरा, और मान लो आपने यहां पर भरा एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ये एकदम हॉचपॉच तरीके से ऑर्डर्ड तरीके से नहीं है, ठीक है। अब सपोज कर लो आपने ये भरा है, लेट्स से किसी स्टूडेंट ने ये भरा है और उसकी रैंक के अकॉर्डिंग राउंड वन में उसको जो है मान लो एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन मिल गया, ये मिल गया। अब अगर वो फ्रीज कर देगा, इसके नीचे भी हो सकता है बहुत सारे भरे हो, तो आपको एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन मिला। अब फ्रीज कर दोगे तो ये आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मिल गया, कंफर्म हो गया, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, पैसे वैसे जमा करोगे और आगे बढ़ोगे। फ्लोट में क्या होता है, आपने इसको एक्सेप्ट करा, सीट एक्सेप्टेंस फी आपने भरी, और फिर आगे के राउंड में इसके ऊपर वाले कंसिडर करे जाएंगे। अगर आपको ऊपर का और कुछ बेटर मिल रहा होगा तो वो आपको आगे राउंड टू में, राउंड थ्री में, पांच राउंड तक आपको जो है ये चलता जाएगा प्रोसेस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप किसी भी हर राउंड के बाद आपको फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन मिलता है। और स्लाइड में क्या होता है ना, अगर आपने अपना मूड चेंज कर लिया, मान लो आपको ये रियलाइज हुआ कि मैं कुरुक्षेत्र नहीं जाऊंगा, मैं दुर्गापुर नहीं जाऊंगा, मैं वारंगल नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपने अपना मूड चेंज कर लिया। अब ऐसा कई केसेस में हो सकता है, मान लो आपको लग रहा हो यार चल ठीक है इसी को फिक्स करते हैं, ठीक है, माइंड आपने मेकअप कर लिया हो, या फिर आपको पता लगा कि भाई आपकी जो क्रश है वो एनआईटी त्रिची जा रही है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई मेरे को गलती से भी कोई और मिल गया तो मैं तो क्रश से दूर हो जाऊंगा, तो आप कहते हो चल ठीक है एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन मैं कुरुक्षेत्र दुर्गापुर छोड़ देता हूं, ठीक है, मैं जाऊंगा तो त्रिची में ही जाऊंगा, या तो प्रोडक्शन में चल जाऊंगा, या फिर मैं सीएससी मिलेगा तो अच्छा है भाई, क्रश भी हो गई और साथ में ब्रांच भी अच्छा हो गया। तो वैसे केसेस में आप स्लाइड करते हो, तो स्लाइड में क्या होता है, आपका सेम इंस्टीट्यूट कंसिडर किया जाता है और उसके बेटर ऑप्शंस को आगे के राउंड में कंसिडर किए जाते हैं, ये बीच वाले आपके फिर गायब हो जाएंगे, समझ गए। तो फ्रीज मतलब जो मिला उसको फिक्स कर लिया आपने, और फ्रीज करना नहीं चाहिए क्योंकि आपने उसके ऊपर अगर बेटर चॉइसेस भरे हैं तो आप फ्रीज क्यों करोगे। फ्रीज आप तभी करोगे जब इसके ऊपर आपने कुछ गलत भर रखा है, आपको लग रहा है नहीं भाई रिस्क के ऊपर। अगर आप सही से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको फ्लोट करना चाहिए क्योंकि ऊपर के चॉइसेस को आप कंसिडर करोगे। स्लाइड तभी होता है जब आपने अपना मन चेंज कर लिया, आपने कहा यार बाकी कॉलेजेस छोड़ो, इसी कॉलेज में बेटर ब्रांच देख लेते मिलेगा तो, नहीं तो इस ब्रांच से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे आप स्लाइड करते हो। ये प्रोसेस होता है बेसिक सा, और आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ती है, सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ती है, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन लेटर फिर आप डाउनलोड कर लोगे वेरिफिकेशन होने के बाद में, तो ये सिंपल सा आपका प्रोसेस होता है और इस तरीके से फिर आप जो है कॉलेज जाते हो। तो आसान भाषा में मैंने आपको समझाया किस तरीके से आपका चॉइस फिलिंग वर्क करता है, जोसा का प्रोसीजर किस तरीके से वर्क करता है, सारा शेड्यूल वगैरह आपको जोसा की वेबसाइट में प्रोवाइड दिया हुआ है कि भैया राउंड वन का रिजल्ट कब आएगा, मॉकशीट अलॉटमेंट कब आएगा, डेट वाइज सारी चीजें आपको पता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है काउंसलिंग वर्क करेगा। आई होप आपको इससे यार एक क्लैरिटी मिली होगी, आप अपने काउंसलिंग को जो है अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस से आगे कर पाओगे। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।